नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी हेल्पडेस्क पर। तो दोस्तों, आज हम एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो कोर्ट के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, किस किस पोस्ट के लिए है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और लास्ट डेट क्या रहेगी, फीस वगैरह क्या रहेगी, आवेदन ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, तो सारी जानकारी के लिए कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो नई भर्ती आई है उसके बारे में बात करेंगे। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बरनाला, बरनाला पंजाब के अंदर कोर्ट के अंदर ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। 12 अप्रैल 2022 को ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग अप 7 पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड 3 पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। 7 पोस्ट क्लर्क की है और 3 पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। एडोक बेसिस पर है दोस्तों, अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट। इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। तो दोस्तों, स्टार्टिंग का जो पीरियड रहेगा वो 6 महीने या फिर जब तक कोई परमानेंट स्टाफ जो है वहाँ पर नहीं आ जाता पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशानुसार, तो तब तक जो है इनकी जॉब जो है वो बनी रहेगी। तो ऑफलाइन आवेदन जो है दोस्तों आप सेंड कर सकते हो इस एड्रेस पर, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बरनाला, 13/5/2022 शाम 5 बजे तक आप रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय हैंड जो है आप अपने आवेदन जो है वो सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। फर्स्ट पोस्ट है कलर की, एडोक बेस पर 7 पोस्ट है, तो टोटल बीसी की 2 है, एससी की 2 है, एक्स सर्विसमैन जनरल की 2 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन एससी की 1 पोस्ट है। और यहाँ पर जो डीसी रेट है वो आपको सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ये भी एडोक बेस पर है, 3 पोस्ट है, एससी की 2 है और एक्स सर्विसमैन जनरल की 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या दी गई, कैंडिडेट शुड पोसेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि आपके पास बीए या फिर बीएससी या फिर इक्विवेलेंट देयर टू फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज ए सब्जेक्ट, 10वीं पास होनी चाहिए आपका और 10वीं के अंदर जो है पंजाबी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। एज जो है कट ऑफ जो एज है वो 1/1/2022 रहेगी और 18 से 37 वर्ष वाले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो वो आवेदन कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन जो होता है इसके अंदर वो एज पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो लागू रहेगा। तो फॉलोइंग क्राइटेरिया रहेगा, जो टेस्ट होगा आपका वो बता देता हूँ। कलर के लिए रहेगा सब्जेक्ट इंग्लिश कंपोजिशन जनरल नॉलेज, 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे इसमें 33% अलग अलग दोनों सेक्शंस के अंदर। और 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो है क्वालिफाई किया जाएगा, बुलाया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के अंदर क्या है, कैंडिडेट शुड पास ए टेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड शॉर्ट हैंड एंड 20 वर्ड पर मिनट इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट जो है आपके इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर होने चाहिए और 20 वर्ड प्रति मिनट जो है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर होने चाहिए। 10 गुना कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू और जो टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आपको इस वेबसाइट पर दे दिया जाएगा और वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप ये PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीट जानकारी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन पर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर अगर आपकी पोस्ट कलर का है तो आप कलर का मेंशन करना और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 मेंशन कर देना। यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर्स के अंदर नेम आएगा, उसके बाद फादर नेम आएगा, उसके बाद आएगी डेट ऑफ बर्थ और आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी अटैच करना पड़ेगा, यानी कि एज ए 10th क्लास की जो DMC होगी वही आपको अटैच करनी पड़ेगी। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता क्या है, कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि आपका जो पत्राचार पता है वो, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और क्या आपने 10वीं कक्षा जो पंजाबी से पास कर रखी है,
अगर कर रखी है तो यस आएगा, और जिन्होंने कर रखी है वही सिर्फ इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी कहाँ से की है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मार्क्स सिक्योर्ड यानी कि कितने नंबर लिए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं और परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो क्या रहा है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई है जुडिशियल डिपार्टमेंट का तो वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे कब से कब तक रहा है और कहाँ पर रहा है, और पीरियड ऑफ सर्विस और पोस्ट हेल्ड, पोस्ट क्या रही है। उसके बाद डिक्लेरेशन के अंदर यानी कि ऊपर जो भी जानकारी जो दी गई है वो मेरे द्वारा सत्य दी गई है, और प्लेस और डेट लिख के आप यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट की जगह सिग्नेचर कर दोगे। तो दोस्तों ये थी एक नई जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।